बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। दिग्विजय सिंह का कांग्रेस छोड़ने का फर्जी पत्र वायरल हुआ है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने की खबर झूठी उन्होंने बताई है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि इस्तीफे से जुड़ा पत्र वायरल हुआ था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब खुद दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया है कि जो खबरें थी, जो सियासी गलियों आरों में खबरें आ रही थी, वो झूठी है। इस्तीफा देने की खबर को उन्होंने झूठ बताया और कहा कि आखिरी सांस तक वो कांग्रेस में रहेंगे। बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। मैंने 1971 में कांग्रेस में प्रवेश लिया और आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। मैंने 1971 में कांग्रेस में प्रवेश लिया और आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, इस्तीफा देने की खबर को खुद दिग्विजय सिंह ने आप झूठा बताया, ये भी कहा कि आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। बीजेपी का भी जिक्र उन्होंने कहा किया बयान में जो हमने सुनवाया। बिल्कुल प्रोफेसर, खासतौर से रविवार की बात करें तो जहां एक तरफ कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की सूची वायरल हुई थी, वहीं पर एक पत्र भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि खासतौर से सोशल मीडिया के इस पत्र को लेकर दिग्विजय सिंह ने खंडन किया है कि ये बीजेपी का काम है और उसको लेकर शाम को साइबर सेल में बीजेपी पदाधिकारी, कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक शिकायत भी दर्ज कराई है कि किस तरीके से जो है खासतौर से एक राजनीतिक प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जो पत्र था वो भी काफी संदेहास्पद नजर आ रहा था कि उसमें ना तो डेट थी और बहुत ज्यादा खासतौर से जो एक पूर्व मुख्यमंत्री का लेटर हेड होता है वो नहीं था। शायद यही कारण देर रात दिग्विजय सिंह ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि मैं 1971 से भारतीय कांग्रेस का सदस्य हूं और इस्तीफे वाली बात का जो है वो खंडन भी किया है। खासतौर से बताया कि भाजपा का काम है, भाजपा इस तरीके के जो प्रोपगंडा है वो फैलाती है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। हालांकि जिस तरीके से टिकट घोषित किए गए उसमें जरूर इस बात का जिक्र किया गया था कि उन्होंने अपने लोगों को कुछ नाम दिए गए थे, उनका सम्मान नहीं किया गया है और यही कारण है कि अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कि सम्मान को ध्यान में रखते हुए पार्टी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देर रात दिग्विजय सिंह का खुद का खंडन आया है कि ये एक सिर्फ बीजेपी की चाल है और वो इस तरीके गुमराह करने का काम करती है। बिल्कुल, बीजेपी पर आरोप वो लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये सब कुछ किया है। लाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सूरज,